नमस्कार, आज मैं आपको मुलेठी के फायदे बताऊंगा। दोस्तों, ये मुलेठी है और ये लगभग आपको 1.5 से 2 इंच के करीब आपको लकड़ी मिलती है। ये आपको आसानी से, आप जहाँ रहते हैं आसपास में पंसारी के पास, आसानी से मिल जाएगी। इसकी खेती बाहर से भी हमारे पास भारत में आती है मुलेठी, मगर इसकी खेती पंजाब और कश्मीर में भी होती है, तो हम अपने देश की क्यों ना इस्तेमाल करें। इसकी तासीर ठंडी होती है दोस्तों, और इसको हम पाउडर, इसको पीस के अमामदस्ते में पाउडर बना के 1/4 चम्मच से 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1/4 चम्मच से 1 चम्मच पाउडर शाम को खाना खाने के बाद इस्तेमाल करने से हमें जिस बीमारी में चाहिए उस बीमारी में पूरा लाभ मिलेगा। इसी तरह हम जो व्यक्ति इसका पाउडर नहीं खाना चाहते, कोई बात नहीं, इसका पाउडर जो हमने बना के रखा है, 1 चम्मच पाउडर को 1 कप पानी में डाल के अच्छे से उबालना। जब पानी आधा कप बच जाएगा, उसको छान के उसमें ज़रूरत अनुसार मीठा मिलाना चाहे तो अच्छी बात है, नहीं मिलाना चाहे तो और अच्छी बात है, क्योंकि इसका टेस्ट मीठा होता है। इसमें ज़रूरत नहीं होती किसी चीज़, किसी भी औषधि को मिलाने की या किसी भी मीठी चीज़ को मिलाने की, क्योंकि आप इसको चबाएंगे तब भी आपको बहुत अच्छा मिठास महसूस होएगा। और सबसे बड़ी बात, बेनिफिट ये होता है, इसमें ग्लूकोज की मात्रा नहीं होती, बिना ग्लूकोज के ही मीठा होता है। इसमें दोस्तों अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं और भी बहुत पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अब इसका इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, टूथपेस्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, शुगर फ्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो शुगर फ्री की वो गोलियां सी आती है ना, वो उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरे नंबर में जो आजकल हम सेंट यूज़ करते हैं, तो सेंट में भी इसका एक्सट्रैक्ट यूज़ किया जाता है, जिससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मतलब बहुत बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें मुलेठी का जो सत्व होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। हृदय रोग वाले जो रोगी हैं उनके लिए मुलेठी का पाउडर और अर्जुना का पाउडर बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये नसों को खोलता है और हृदय की बीमारी को धीरे धीरे बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देता है। मिर्गी या जो व्यक्ति मिर्गी की बीमारी से या हिस्टीरिया की बीमारी से परेशान है, उनको कहूँगा कि मुलेठी, ब्रह्मी और शंखपुष्पी तीनों को बराबर मात्रा में लेके इनका पाउडर बना के आप सुबह शाम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, या पाउडर को आप काढ़ा बना के उसका इस्तेमाल करने से आपके मिर्गी और हिस्टीरिया की बीमारी बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति जल जाता है और उसको किसी भी प्रकार से जल जाता है, तो मुलेठी का पाउडर देसी घी में या नारियल के तेल में मिला के लेप बना के लगाने से उनको जलन भी नहीं होगी और उनका जख्म जल्दी भर जाएगा और निशान भी नहीं रहेगा। दमे से व्यक्ति जो परेशान रहता है, या मान लीजिए गले में, श्वास नली में, फेफड़ों में बलगम जमा हुआ रहता है, उनमें सूजन रहती है, उनमें एलर्जी तंग करती है, तो इसका पाउडर या काढ़ा लगातार इस्तेमाल करने से दमे की बीमारी, गले की बीमारी बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाती है, क्योंकि ये इसमें ऐसे अच्छे गुण पाए जाते हैं जो फेफड़ों में जमा बलगम को निकाल के फेंक देता है और फेफड़े बिल्कुल साफ कर देता है। गठिए से जो परेशान है, जिनको रूमेटिड अर्थराइटिस की शिकायत है, जोड़ों में दर्द और सूजन तंग करती है, उनके लिए कहूँगा कि मुलेठी का पाउडर आप सुबह शाम, आपके लिए फ़ायदेमंद है। 1/4 चम्मच से 1 चम्मच तक आप सुबह शाम भोजन के बाद गर्म पानी या गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें, या फिर इसका काढ़ा बना के सुबह शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करने से रूमेटिड अर्थराइटिस वालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। रूमेटिड अर्थराइटिस आपका जड़ से ठीक होता चला जाएगा। कोलेस्ट्रॉल से परेशान है, बैड कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है, तो मैं कहूँगा मुलेठी का पाउडर या मुलेठी का काढ़ा आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे हम बिल्कुल हमेशा स्वस्थ रहते हैं। मलेरिया से जो व्यक्ति परेशान है, उनको क्या होता है, बिना समय कोई भी, आज सुबह, कल दोपहर को, परसों रात को, किसी भी टाइम बुखार आता है, कपकपी होती है, ठंड लगती है, तो उनके लिए मुलेठी का पाउडर इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। याददाश्त से परेशान व्यक्तियों के लिए कहूँगा कि जिनको याददाश्त की परेशानी रहती है, उनके लिए कहूँगा मुलेठी का पाउडर या मुलेठी का काढ़ा आपके लिए इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इतना फायदेमंद है कि याददाश्त आपकी तेज़ हो जाएगी और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। पीलिया से परेशान, बार बार, कई बार क्या होता है, लीवर में इन्फेक्शन के कारण बार बार पीलिया हो जाता है, ऐसे व्यक्तियों को कहूँगा मुलेठी का पाउडर सुबह शाम इस्तेमाल करने से आपका पीलिया बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। जिन व्यक्तियों को पेट की बीमारी तंग करती है, दोस्तों आज के टाइम में मैं अगर पेशेंट देखता हूँ सुबह से शाम तक, मुझे नहीं लगता कि एक पेशेंट भी ऐसा होगा जिसका पेट ठीक रहता होगा। तो मैं कहूंगा कि ऐसे पेट के तो सभी रोगी हैं और पेट से ही सभी बीमारियों का जन्म होता है, तो ऐसे रोगियों को कहूंगा
कि आप खाना खाने के बाद एक मुलेठी का टुकड़ा लेके अच्छे से चबाएं। इससे आपकी पाचन शक्ति भी बढ़िया हो जाएगी, पेट भी ठीक हो जाएगा और आपको कभी पेट की बीमारी तंग नहीं करेगी और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। जिन व्यक्तियों को मुंह में हमेशा छाले बने रहते हैं, मुंह में अल्सर बने हुए रहते हैं, कोई भी खाना खा नहीं सकते, नमक वाला जो खाने में परेशानी होती है, मिर्च मसाला तो बहुत दूर की बात है, ऐसे व्यक्तियों के लिए कहूँगा कि पाउडर सुबह शाम इसका इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके पाउडर का काढ़ा बना के कुल्ला करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इससे मुंह के छाले, माउथ अल्सर की बीमारी बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाती है। जिन व्यक्तियों के दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, या दांत पीले हैं, या दांत भुर्रे हैं, या दांतों में ठंडा गर्म लगता है, या मसूड़ों से खून आता है, या पायरिया की शिकायत है, मुंह से बदबू आती है, तो मैं ऐसे रोगियों को कहूँगा कि जी मुलेठी लेके आपने क्या करना है, एक गिलास पानी में रात को भिगो दीजिए और सवेरे उठ के अच्छे से दांतों से उसे चबा चबा के उसको अच्छे से कुच्ची बना के अच्छे से दातुन करिए, और दातुन करने के बाद अच्छे से कुल्ला कर लीजिए और अच्छे से मसूड़ों पे आप कर सकते हैं मसाज। तो ऐसा करने से आपकी दांतों से, मसूड़ों की और मुँह की सभी तरह की बीमारी बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। और किस तरह की बनती है कुच्ची में वो आपको दिखा देता हूँ कैसे बनती है। जब हम इसे भिगो के इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह की कुच्ची बन जाती है। देखिए कितनी छोटी है मगर कितनी अच्छी बन जाती है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा दिखा देता हूँ, इसको अच्छे से आप करेंगे और आप इसको करते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपको किसी तरह की, जब हम जैसे पेस्ट करते हैं तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद बदबू आने लग जाती है, तो हम क्या करते हैं माउथ वॉश का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने का बहुत लंबे समय से माउथ बिल्कुल फ्रेश फील करता है और कभी ऐसा लगता ही नहीं कि मुझे माउथ वॉश की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल ऐसे करते हैं तो स्मेल बिल्कुल होती ही नहीं है, हमारी सांसों में बदबू होती ही नहीं है। महिलाओं को मासिक धर्म के समय पेड़ों में दर्द होता है, तो ऐसी महिलाओं को कहूँगा कि आपके लिए मुलेठी का पाउडर या काढ़ा इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इससे आपके मासिक धर्म के समय बच्चेदानी में सूजन नहीं होगी और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और सबसे बड़ी आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ और सुंदर दिखेगा। जो व्यक्ति लीवर के इन्फेक्शन से परेशान है, ये लीवर में किसी तरह की खराबी हो रही है, या फैटी लीवर हो गया है, या मान लीजिए हेपेटाइटिस की शिकायत है जिसे लीवर में सूजन बोलते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को कहूँगा कि लीवर के रोगी के लिए, किसी भी तरह के लीवर की आपकी बीमारी हो रही है, तो मुलेठी का पाउडर चौथाई चम्मच से एक चम्मच तक सुबह शाम इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद है, गर्म पानी से खाना खाने के बाद, या फिर मान लीजिए इसका काढ़ा बना के सुबह शाम खाना खाने के बाद प्रयोग करने से आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों मौसम बदलता है तो हम बार बार वायरल इन्फेक्शन से परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए मैं कहूँगा कि वायरल इन्फेक्शन जैसे ही मौसम बदलता है उससे 5-10 दिन पहले ही आप इसका काढ़ा या इसका पाउडर या इसकी बनी चाय जब इस्तेमाल बनाते हैं ना, तो आप इसके 2-3 लकड़ी आप जितना भी चाय बनाते हैं उसमें कूट के अच्छे से डाल देंगे, तो किसी को वायरल इन्फेक्शन का खतरा नहीं होगा, वो वायरल इन्फेक्शन से परेशान नहीं होगा। फिर जब मौसम चला जाएगा, एक जैसा मौसम हो जाएगा, फिर इसे बंद कर दें। जिन व्यक्तियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली कमज़ोर है, बार बार एलर्जी हो जाती है, उनको कहूँगा कि मुलेठी का पाउडर चौथाई चम्मच से एक चम्मच तक आपके लिए सुबह शाम इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है, या मान लीजिए इसका काढ़ा सुबह शाम पीना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है, आपकी इम्यून शक्ति को बढ़ा देगा जिससे बैक्टीरिया, वायरस या जहरीले पदार्थों का आपके शरीर पर बुरा असर नहीं होगा और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। जिन व्यक्तियों को बार बार तेजाब गैस बहुत ज़्यादा तंग करता है, या आमाशय में, आंतड़ियों में, या मान लीजिए बड़ी आंतड़ियों में जख्म बन जाते हैं जिसे हम गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर या अल्सर कोलाइटिस बोलते हैं, उनके लिए कहूँगा कि मुलेठी का पाउडर चौथाई चम्मच से एक चम्मच इस्तेमाल करना सुबह शाम बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, या इसका काढ़ा पीना बहुत फ़ायदेमंद है। इसको इस्तेमाल करने से एसिड खत्म हो जाता है, गैस ठीक हो जाती है, और जहाँ जहाँ आपके अल्सर है, सूजन है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आप बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएंगे। कब्ज़ से परेशान व्यक्तियों के लिए कहूँगा कि मुलेठी का पाउडर चौथाई चम्मच से एक चम्मच पाउडर आपने रात को गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है, जिससे कब्ज़ की बीमारी आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। जो व्यक्ति अपने शरीर का मोटापा घटाना चाहते हैं, उनको कहूँगा मुलेठी का पाउडर बना के आप सुबह शाम खाना खाने से पहले गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें, आपके शरीर की चर्बी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। जिन महिलाओं को हार्मोन्स की वजह से या किसी भी कारण से हमेशा टेंशन से परेशान रहती हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, चिड़चिड़ापन बना रहता है, या डिप्रेशन से परेशान रहते हैं, ऐसी महिलाओं को कहूँगा, या नींद नहीं आती ऐसी महिलाओं को बोलूँगा कि जी आप मुलेठी का पाउडर चौथाई चम्मच से एक चम्मच पाउडर सुबह शाम आप गर्म पानी या दूध के साथ इस्तेमाल करें, या मान लीजिए इसका काढ़ा सुबह शाम आप खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल करें। जैसे जैसे ठीक होने लग जाएं तो फिर एक टाइम रात रात को सोने
सोने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आपकी सिर से संबंधित सभी तरह की बीमारियां बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएंगी। ना गुस्सा, ना चिड़चिड़ापन, ना टेंशन, ना डिप्रेशन, ना निद्रा की बीमारी, बिल्कुल कोई भी बीमारी आपको तंग नहीं करेगी और आप बिल्कुल जड़ से ठीक रहेंगे। और जब कोई टेंशन नहीं होती तो चेहरा एकदम अच्छा खिलखिलाया हुआ नज़र आता है। दोस्तों बोले ठीक है, मैंने इतने सारे फ़ायदे बताए तो अब एक आधा नुकसान बता देता हूँ। सबसे पहले यही कहूँगा, जिनका बीपी हाई रहता है वो मुलेठी का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि इससे बीपी और हाई रह हो जाता है। इसी तरह मुलेठी का आपने इस्तेमाल 1 महीने करना है। जैसे 1 महीने पूरे हो जाए 1 महीने का गैप डालना है, फिर उसके बाद 1 महीने करना है। इस तरह करके गैप डाल के इस्तेमाल करें, लगातार कंटिन्यू इसका इस्तेमाल मत करें। जिन व्यक्तियों को गुर्दे की बीमारी है वो मुलेठी का इस्तेमाल मत करें, या जिन महिलाओं को गर्भवती हैं जिनको प्रेगनेंसी हुई पड़ी है वो मुलेठी पाउडर का इस्तेमाल मत करें। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैंने मुलेठी के इतने सारे आपको फ़ायदे बताए तो आप इसका लाभ ज़रूर उठाएंगे। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।